उपमंडल नालागढ़ के लिए एक और बुरी खबर सामने आई है। नालागढ़ की ग्राम पंचायत मझोली के गांव बेला मंदिर के रहने वाली लैब टेक्नीशियन पंजाब के रोपड़ में कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। महिला सिविल अस्पताल रोपड़ में बतौर लैब टेक्नीशियन के तौर पर काम कर रही हैं। जानकारी के अनुसार 10 मई को सिविल अस्पताल रोपड़ में 13 लोगों के कोरोना सैंपल लिए गए थे, जिसमें महिला का नाम भी शामिल था, जो रिपोर्ट आने के बाद पॉजिटिव पाई गई है। प्रशासन ने गाँव को सैनिटाइज किया है, वहीं क्षेत्र को सील कर महिला के संपर्क में आए लोगों की जांच की जा रही है। नालागढ़ की रहने वाली एक महिला पंजाब के रोपड़ में कोविड-19 पॉजिटिव पाई गई हैं। बताया जा रहा है कि महिला की शादी मंझोली पंचायत में हुई है और वे नालागढ़ से रोपड़ अपनी ड्यूटी के लिए गई थी। महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ का स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो चुका है। मामले की पुष्टि करते हुए तहसीलदार नालागढ़ ऋषभ शर्मा ने बताया कि विभाग द्वारा महिला की ट्रेवल हिस्ट्री और ये महिला किसके संपर्क में आई है, इसके बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। वहीं ये जानने का भी प्रयास किया जा रहा है कि महिला के संपर्क में कौन कौन लोग आए हैं। जैसा कि विदित है कि एक जो स्टाफ नर्स है जो रोपड़ में एक हॉस्पिटल में या निजी हॉस्पिटल में कार्यरत है, वो जो है उसका जो है यहाँ पर जो है घर है, जानकारी मिली कि परसों शाम को यहाँ पर आई थी। कल जो है आज सुबह वो यहाँ से वापस रोपड़ गई है और जैसे ही वो रोपड़ गई है तो वहाँ पर उसका कोरोना टेस्ट जो है पॉजिटिव पाया गया है। वहाँ के प्रशासन से टाई अप करने के बाद पता चला कि वो पॉजिटिव पाई गई, तो उसके बाद हमारी पूरी टीम जो है दल बल के साथ यहाँ पहुँची है। इनको जो है इनके घर में 12 मेंबर्स हैं, इनको सभी को हिदायत दी गई है, बल्कि बोर्ड भी यहाँ पर लगा दिया गया है कि आप घर से बाहर ना निकलें और होम पूरा होम जो है क्वारंटाइन के अंदर रख दिया गया। फिलहाल प्रशासन द्वारा गांव को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है और महिला के परिवार के 12 लोगों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है और जांच की जा रही है। सिटी चैनल के लिए नालागढ़ से आदित्य चड्ढा की रिपोर्ट।